इलेक्शन कमीशन की तोहीन के केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। तरीके इंसाफ की सदार से मुतालिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन की तोहीन के केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज फैसला सुनाएगा। तहरीक इंसाफ की सदार से मुतालिक केस का फैसला भी महफूज कर लिया गया है। अहम खबर जिसके मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की तोहीन के केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल जेल में होगा या नहीं, आज ये फैसला सुनाया जाएगा और इलेक्शन कमीशन आज ये फैसला सुनाएगा। मजीद बात कर लेते हैं उस्मान जब्बार से। उस्मान, तफसीलात बताएगा इस हवाले से। तोहीन चीफ अलिशन केस में बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और फवाद चौधरी का अडियाला जेल में ट्रायल होगा या नहीं, इसका फैसला आज दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। कमीशन की जाने से जो कागज जारी की गई है उसके मुताबिक जो गुजरे समाज थी उसमें वजारत दाखिला ने बानी चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन पेश करने से माजरत की थी और वजारत कानून से राय लेकर बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जो फवाद चौधरी हैं उनका अडियाला जेल में ट्रायल की दरखास्त की जो दरखास्त कर दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने वजारत कानून की राय मौसूल होने पर फैसला महफूज किया था, जिसको आज जो है दिन 12 बजे सुनाया जाएगा। जी सही, फैसला महफूज कर लिया गया है जिसे 12 बजे सुनाया जाएगा। उस्मान, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालातों वाकयात यकीन के साथ।